हेलो एवरीवन, मैं अनुभव कुमार आज आप सबका स्वागत करता हूं इस खुशनुमा माहौल में जहां पर खिले हुए फूल हैं, सुनहरी धूप निकल रही है, लश ग्रीन ग्रास है और पूरा ही मौसम, पूरा ही वातावरण एकदम ही हसमुख सा लग रहा है। ये है हमारा MVN का हर्बल गार्डन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लोग ज़्यादा नहीं जानते, इससे हम प्लांट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसका नाम है एयर लेयरिंग। तो इसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे पास एक विशेषज्ञ भी हैं, मिस्टर उमाकांत सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MVN यूनिवर्सिटी में। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर उमाकांत जी का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MVN यूनिवर्सिटी में और विशेषज्ञ हैं पेड़ पौधों के और फाइटोकेमिस्ट्री के। तो सर, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि आपका जो ये रुचि थी, आपकी जो ये हॉबी थी प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, फ्लावरिंग की, तो इसको आपने अपना पैशन कैसे बनाया? मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सर आपने पूछा है। एक्चुअली क्या है, हम बचपन से देख रहे हैं कि जब पेड़ पौधे हमारे आसपास लगे रहते हैं वो हमें छाया भी देते हैं, प्लस उस पे जो फ्रूट लगता है वो हम जब फ्रूट तोड़ के खाते हैं पेड़ से तो उसका एक अलग ही स्वाद आता है। बिल्कुल सही बात। तो ये सब चीज़ें मेरे को मोटिवेट करती हैं पेड़ों से जुड़ने के लिए। और आजकल देखोगे आप, डिफॉरेस्टेशन इतना हो रहा है और मेडिसिनल यूज आजकल जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन में लोग उतर रहे हैं, क्रेज बढ़ रहा है मेडिसिनल प्लांट्स का, तो ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं पेड़ों से जुड़ने के लिए। तो आप मतलब बचपन से ही प्रकृति से जुड़े हुए थे? प्रकृति से मैं बचपन से जुड़ा हूँ, बट इसको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट मैं जो हुआ हूँ वो करीब 5-6 साल, आप लगा लीजिए कि 5-6 साल पहले से मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ प्लांट्स को लेके। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है एयर लेयरिंग, तो सर इस पे आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं आज? जी बिल्कुल। देखिए, एयर लेयरिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि जिससे कि हम प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक प्लांट से हम कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि हम एक प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट को दूसरा प्लांट बना के उससे हम जल्दी से फ्रूटिंग ले सकते हैं। दूसरा, अगर हमें फ्रूटिंग नहीं भी लेनी है, कोई फ्लावरिंग प्लांट है, नॉर्मल प्लांट है, उसको भी हम अपने नंबर्स ऑफ प्लांट बढ़ा सकते हैं अपने गार्डन में लगाने के लिए। तो जिससे कि हमारे कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, आप नर्सरी से जाके प्लांट खरीदोगे, इससे बढ़िया आप अपने घर पे ही एयर लेयरिंग करके प्लांट्स का नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है बहुत सारा इसका जैसे आपने एक बेनिफिट बनाया, तो इससे क्या हमें ये भी होता है कि प्लांट पे कीड़ा नहीं लगता या फिर प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है, ऐसा भी कोई बेनिफिट मिलता है क्या इससे हमें? इससे ये बेनिफिट ऐसा कुछ नहीं है। कीड़े तो देखिए किसी भी प्लांट पे लग सकते हैं, नॉर्मल हेल्दी प्लांट पे भी लग सकते हैं, एयर लेयर्ड प्लांट पे भी लग सकते हैं। कीड़े का वो तो पेस्ट कंट्रोल अलग टॉपिक हो गया, बट नॉर्मली देखें तो हमें बेनिफिट दो हैं। एक कि हम उसे प्लांट को, जो मदर प्लांट है हमारा जो फ्रूट दे रहा है, उस प्लांट का हम जो क्लोन बनाएंगे वो क्लोन विद इन 1 ईयर हमें फ्रूटिंग देने लगेगा। सबसे पहला अच्छा बेनिफिट ये है। लेकिन नॉर्मली अगर आप सीड से ग्रो करते हैं प्लांट को, तो वो अपनी एक एज पे आके जब वो मैच्योरिटी अटेन करेगा प्लांट, तब वो जाके फ्रूटिंग करेगा। बट एयर लेयरिंग वाला प्लांट हमें तुरंत के तुरंत फ्रूटिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और हम उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट उससे ये रहेगा कि प्लांट को जब हम एयर लेयर लगाएंगे अलग अलग ब्रांचेस पे, तो हम उनको कट कर लेंगे, बाद में उनको हम प्रोपोगेट करेंगे सॉइल में, तो वो प्लांट ऑटोमेटिकली प्रून भी होता रहेगा सीजनली। तो ये भी एक दूसरा बेनिफिट हमारा एयर लेयरिंग का इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक प्रोपोगेशन, दूसरा प्रूनिंग। सर, जैसा कि आपने बताया इस टॉपिक के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है और प्लांट्स को हम लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं, फ्रूटिंग बहुत जल्दी हो रही है, तो लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस ये टेक्निक है। तो सर, आप मतलब जैसा सुनने में लग रहा है, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। हमारे पास रोज प्लांट है जी, जो हमारे पास मदर प्लांट है, हम उस पर आज एयर लेयरिंग करेंगे और आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाएंगे कि किस तरीके से आप एयर लेयरिंग किसी प्लांट पे कर सकते हैं, कैसे एक प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या टूल्स की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें हम आपको आज दिखाने वाले हैं लाइव। हेलो, तो आज आप देख रहे हो हमारे पीछे ये रोज़ का प्लांट है जिस पर कि आज उमाकांत जी हमें एयर लेयरिंग करके दिखाएंगे। तो एयर लेयरिंग पे जाने से पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए हमारे रिक्वायर्ड टूल क्या है और मटेरियल्स क्या है, उसके लिए हमें उमाकांत सर जी बताएंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें एक नाइफ चाहिए, ये नाइफ शार्प होना चाहिए और स्टरलाइज्ड होना चाहिए। आप इसको स्टरलाइज साथ के साथ भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइफ। दूसरा हमें चाहिए एक सीजर, दूसरी हमें एक सीजर चाहिए,
सीजर की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी, जो एक्स्ट्रा टहनियाँ होंगी जो साइड में निकल रही होंगी उनको कट करने के लिए हमें सीजर की रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज़ जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है स्ट्रिंग, ये बांधने के लिए हमें कोई रस्सी धागा कुछ इस टाइप का चाहिए जिससे कि हम उस पर बांध सकें उस ब्रांच के ऊपर अपनी एयर लेयरिंग को। फोर्थ चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो है ये पॉली बैग्स के कटिंग्स जिस पे कि हम उसको रैप करेंगे जिसके अंदर हम मॉस लगाएंगे। तो ये मॉस है और ये अच्छे से मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है और जिससे कि क्या है कि जो प्लांट्स की ब्रांच है वो अच्छे से रूटिंग शुरू कर सकती है अपनी इसके मॉइस्चर के प्रेजेंस में। इसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है, और इसको हम एयर लेयरिंग में यूज़ करते हैं, स्फैग्नम मॉस को। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है रूटिंग हार्मोन, जिसको कि हम यूज़ करते हैं रूटिंग को फास्ट ग्रो निकलवाने के लिए, फास्ट ग्रो करवाने के लिए, जिससे कि प्लांट जल्दी से रूटिंग स्टार्ट करे। तो ये रूटिंग हार्मोन भी हमें ज़रूरत पड़ती है एयर लेयरिंग में। सो आप व्यूअर्स ऐसा देख सकते हैं, ये हमारी रोज़ की ब्रांच है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। ये ब्रांच एक साल पुरानी है, एटलीस्ट एक साल पुरानी ब्रांच होनी चाहिए बिकॉज उसके अंदर जो सेल्स हैं, अंदर के जो टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के, वो मैच्योर हो चुके होते हैं, फुल्ली डेवलप हो चुके होते हैं। तो हमने इसको क्लीन भी कर दिया है, इस पर कांटे वगैरह होते हैं रोज़ प्लांट पे, तो उनको हमने हटा दिया है, क्लीन कर दिया है, और हमने नाइफ़ को भी स्टरलाइज कर लिया है। अब हमें इसको जब एयर लेयरिंग करना है तो हमें इसका सिर्फ बार्क रिमूव करना है, हमें ज़्यादा डीप कट नहीं लगाना है। और कट लगाते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि जो इस पे कि नोड एरिया होता है, जो ये नोड एरिया आप देख सकते हैं जहाँ से बड निकलता है किसी ब्रांच में, ये नोड एरिया है यहाँ पे, तो इसके जस्ट नीचे से हम एक कट लगाएंगे राउंड शेप में। और एक इंच जो है यहाँ से पहले वाले राउंड से नीचे की तरफ, एक इंच की तरफ हम दूसरा कट लगाएंगे। फिर हम इस बार्क को रिमूव कर देंगे एक वर्टिकल कट लगा के, जैसा कि आप देख सकते हैं इजीली रिमूव हो जाता है बार्क। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर देंगे बिकॉज इसके ऊपर बार्क की कुछ हल्की सी लेयर रह जाती है जिसको रिमूव करना ज़रूरी है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे हल्का हल्का से स्क्रैच करके। सो व्यूअर्स, हमने इसको रिमूव कर दिया है और इसको हमने स्क्रैच भी कर लिया है। इसके बाद हम ये रूटिंग हार्मोन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इस रूटिंग हार्मोन को हम इसके ऊपर सूखा भी अप्लाई कर सकते हैं, गीला करके पेस्ट बना के भी अप्लाई कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस है, आप जैसे भी करना चाहें। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है इस पर। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है इस पर मॉस लगाने का। हमने मॉस को जो है मॉइस्ट कर लिया है पानी में, आप देख सकते हैं इसमें से पानी निकल रहा है। हमें इसको पानी निचोड़ देना है, एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं रखना है, नहीं तो हमारा जो ब्रांच है वो सड़ने लगेगी, इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसका हमने एक्स्ट्रा पानी सारा रिमूव कर दिया है। इसके बाद हम इसको बांध देंगे, इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ये हमने लगाने के बाद हम एक पॉली बैग लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पॉली बैग है। इस पॉली बैग को हम इस पे रैप कर देंगे चारों तरफ से अच्छे। सो हमने, जैसा कि आपने हमने देखा कि हमने मॉस लगा दी, मॉस के बाद हमने इस पे पॉलीथिन रैप कर दी है चारों तरफ से, टाइट कर दिया है, और नीचे की तरफ से हमने इसको बांध दिया है एयर टाइट करके। हमें एयर नहीं जाने देनी है इसके अंदर, अगर हमें रूटिंग चाहिए तो एयर जाने से हमें रोकना है, और हमने दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छे से एयर टाइट कर देंगे और इसको हम, अब हमें बस ये कर देखना है कि इसको कोई चिड़िया वगैरह कोई भी इस पॉलीथीन को ना फाड़े। अगर ये पॉलीथीन फट जाएगी तो फिर एयर लेयरिंग सक्सेसफुल नहीं रहेगी। ये पैक्ड रहे इसी तरीके से, मॉइस्ट रहेगा, और करीब 20 दिन या 30 दिन में इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम चेक करेंगे इसमें रूटिंग हुई है नहीं हुई है। सो आपने ये पूरा कम्प्लीट प्रोसेस जैसे देख चुके हैं कि हमने इस पर एयर लेयरिंग कर चुके हैं,
अब हमें सिर्फ वेट करना है 20 days to 30 days में, और मौसम पे भी डिपेंड करता है कि रूटिंग कितने टाइम में होगी। अगर आपका मौसम ठंडा मौसम है तो रूटिंग में बहुत टाइम लगता है, अगर मौसम बरसात का है, रेनी सीजन है, तो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर इस पे आप चेक करेंगे कि 20 दिन बाद 30 दिन बाद रूटिंग हो गई है कि नहीं हो गई है, अगर रूटिंग आपको विजिबल है, दिख रही है इस पॉली बैग से, तो आप यहाँ से नीचे से कट कर लेंगे, और इसको कट करने के बाद इसमें से ये मॉस हटानी नहीं है, इसको लगे रहने देना है, सिर्फ इसकी पॉली बैग रिमूव करनी है, और इसको आप अपने गमले में ट्रांसप्लांट करके प्रोपोगेट कर सकते हैं, और ये प्लांट फ्रूटिंग भी, वो फ्लावरिंग भी टाइमली करेगा। तो सर आज आपने एक बहुत ही बेहतरीन रूप से आज एयर लेयरिंग के टॉपिक पे आपने प्रकाश डाला, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा, एयर लेयरिंग के अलावा, हम अपने हर्बल गार्डन में और कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं जिसको हम टाइमली आपको बताते भी रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे कि हम कौन कौन सी टेक्निक से प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये तो एयर लेयरिंग थी, एक टेक्निक है। हम इसमें लेयरिंग में ही बहुत सारी अलग अलग टेक्निक हैं, जैसे कि वाटर लेयरिंग होती है, ग्राउंड लेयरिंग होती है, ये लेयरिंग में ही अलग अलग टेक्निक्स हैं। इनके अलावा कटिंग से ग्रो करते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम प्लांट्स को प्रोपोगेट करते हैं। ये तो हम आपको टाइमली दिखाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे। बाकी हमारा बॉटनिकल गार्डन है, हर्बल गार्डन है, यहाँ की हम आपको सैर कराते रहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्लांट्स हैं, उनके मेडिसिनल इम्पोर्टेंस क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये हम आपको एक धीरे धीरे वीडियोज आते रहेंगे और आपको हम दिखाते रहेंगे। तो आज के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। तो व्यूअर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही है, बट हम आगे भी और भी अतरंगी टॉपिक्स लाते रहेंगे, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले और आपको कुछ नया करने को भी मिले। धन्यवाद।